दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं, यह बेहद जोखिमपूर्ण मामला है। ऐसा है द्वारकापुरी का रहस्य। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं। इसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहां श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, कोसावती और चंद्रभागा नदी का संगम है। यह एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं भी हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी मीठा। स्कूबा डाइविंग के जरिए देख सकते हैं द्वारकापुरी। बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। ट्रेनर शांति भाई बंबनिया बताते हैं कि समुद्र के नीचे महाभारत कालीन इस रहस्यमय दुनिया देखनी है तो पहले स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। वैसे समुद्र के नीचे जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अंडर वाटर यात्रा का अपना एक अलग रोमांच होता है, लेकिन जब यह यात्रा किसी पौराणिक जुगाड़ से जुड़ी हो तो रोमांच दोगुना हो जाता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद है। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है। बाकी शहर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंती का कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, अनारतक, चक्र तीर्थ, अंदर द्वीप, वारी दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता रहा। बहरहाल स्कूबा डाइविंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी गोवा से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते हैं कि सितंबर से अप्रैल तक सैकड़ों लोग यहां स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। ऐसे चला द्वारकापुरी का पता। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। वज्रनाम यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारकापुरी में रहे, इसके बाद वे हस्तिनापुर चले गए। जब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक यह महज एक किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की इस पर नजर पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक के समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले थे। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन के हो सकते हैं। ऐसे समुद्र में डूब गई द्वारकापुरी। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10000 साल पहले समाप्त हो गया। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा, तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुछ स्थली कहते थे। एक कहानी यह भी है।
कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। एक मान्यता है कि द्वारकापुरी एक नहीं 6 बार समुद्र में डूबी। वर्तमान में जिस द्वारकापुरी का अस्तित्व मिलता है वो 7वां शहर है। इसकी स्थापना प्राचीन द्वारकापुरी के पास ही आदि शंकराचार्य ने 16वीं सदी में की थी। यहां बनवाए मंदिर को मुगलों ने तोड़ दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1963 में सबसे पहले डेकन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारकापुरी पर रिसर्च शुरू की थी। तब यहां 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। मौजूदा द्वारकापुरी कुछ ऐसी है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका का अस्तित्व ही बचा है। गोमती द्वारका में श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। इसे 1500 वर्ष पुराना मानते हैं। यह मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास समुद्र का पानी भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है यूपीएससी मोटिवेशन जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए यूपीएससी मोटिवेशन जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका द्वारकापुरी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।